के अंदर इस स्टेडियम में भगवान हनुमान जी का पाठ करते हुए हम प्रभु राम की भक्ति भी करेंगे और शक्ति की भक्ति भी करेंगे। हनुमान जी की शक्ति की भक्ति का जो मार्ग है वाकई वो हमारा जीवन धन्य करने वाला है। एक बार मैं इस बहुत अच्छे आयोजन के लिए पूरे सारे बाल कृष्ण और बाल राम के रूप के प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि 5 साल के भगवान मंदिर में विराजे हैं और ये बाल रूप को लाकर आपने उसके लिए एक लघु चित्र सामने खड़ा किया है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई और उम्मीद करता हूँ कि परसों के बाद जब नए दौर का नया भारत बनेगा, यह हमारी नई पीढ़ी निश्चित रूप से दुनिया में भारत सबसे अच्छा बने और भारत में मध्यप्रदेश सबसे अच्छा राज्य बने, इस दिशा में काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी और राजन जी, देव जी और सभी सब लोग तो होगी ये हनुमान जैसा पाठ सभी लोग करते से और इस लंबे से भी याद करते हैं। अब हनुमान चालीसा का पाठ होगा। आप सभी बीच में जो खड़े हैं साइड में आ जाएं, सभी कृपया साइड में आ जाएं, पीछे आ जाओ ना, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। श्री गुरु चरण कमलों की जय।